मुझे और अरीब को जाना है आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हल कर दो, मेरे इन बालों को कुछ सही कर दो। अगर आप एज अ गर्ल मुझसे पूछते हो तो मेरे पास इसके 550 हल है। तंग करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है आज डे के ऊपर। प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट, ये जंग है। हम लोग बन चुके हैं वाइल्ड लाइफ के प्रॉपर एम्बेसडर। इतना प्यारा लग रहा है यार। चिमटा नहीं ले जाना मेरे बालों में, चिमटा नहीं लगाना। करीब उसी से ही होगा ना यार। सही, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। दिस इज मी क्राकावा। वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो गया है और मैं उठते साथ भाई रेडी हो गई थी। आज सबसे पहले उठते साथ मैंने कपड़े अपने मशीन में रखे, उसको वॉश किया, उसके बाद जो है वो मैं खुद तैयार हो गई। अब तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे और अरीब को जाना है आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पे, और बस उसके लिए अरीब भी रेडी हो रहे हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और आज आप लोगों के लिए एक और भी सरप्राइज है। अब वो सरप्राइज क्या है ये मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ। फिलहाल हम चलते हैं अरीब साहब के पास और देखते हैं कि वो रेडी हुए हैं या नहीं रेडी हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाँ, एक बात और, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं मेरे, तो आप लोगों ने जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दें, ताकि जो है वो हम आपके लिए कोई अच्छा सा सरप्राइज प्लान करें। अभी चलते हैं अरीब के पास, उनसे मिलवाती हूँ आपको। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। मेरा हाल बहुत बुरा है। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हल कर दो। क्या हुआ? मेरे इन बालों को कुछ सही कर दो। कैसे सही हो गया? सीरियसली ये नहीं, ये मैं से आपको बताऊं, अगर आप एज अ गर्ल मुझसे पूछते हो तो मेरे पास इसके 550 हल है। तो देख तो सही, मैं मुंह धोता हूं, मैं कुछ करता हूं, मेरे बाल अजीब ही हो जाते हैं। और अरीब आपके बाल ना ऐसे लगता है जैसे आपने कैप पहनी हुई है, सीधे सींगों वाली। कट 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 कांटों लगे हुए हैं यार। होता जा रहा है आपको। अभी मीटिंग के लिए हम हो रहे हैं लेट, ठीक है? इसका मैं आके आपको हल बताऊंगी। पक्का? पक्का। चले, आज हम लोग लेट हो रहे हैं। बस मैंने अपना हैंडबैग सॉरी बाहर ही रखा हुआ है, सो अभी हम लोग बस निकलते हैं। अरीब साहब नीचे मेरे से भी पहले पहुंच चुके हैं, लेट हो रहे हैं। हम, मैंने एक बच्चे को डराना है। एक बच्चे को आपके लिए भी एक सरप्राइज। आपको नहीं पता यार? आपको नहीं पता, मुझे सुबह सुबह एक हाँ, मुझे सुबह सुबह रोने की आवाज आ रही थी। बिल्ली तो मैं रो रहूंगा। ओए मेरा गुड मॉर्निंग। झुकते नहीं सीख के आया वो, आपको छनकने बना। देखो जरा आके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेबी। पापा कर दो। हमें भाभी में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना भाई, में कोई इंटरेस्ट है। हमें हमारे काके में इंटरेस्ट है। काका आप आ गया। उसको तंग करना। कैसा रहा भाभी आपका ट्रिप? सही, हमने आप सबको बहुत मिस किया। किसको मिस किया? मैंने भाभी को भी मिस किया भाई। यही फिर से भाई, रोज रात को स्टेटस लगाते थे, गाड़ी चला रहे थे, सैड सॉन्ग लगा था, बीबी को मिस कर रहे थे। भी आप कहें भाभी को कि मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने बहुत मिस किया अपने काके को। ये क्या बात हुई? काके को नहीं कहना बाय। चलाते भी टंग। बाय कर दो। बाय। हमारे कहते भी टंग। हम लोग चलते हैं, ठीक है? बाय। अब उससे साथ जाना है? नहीं, आपको किसने कहा? अल्लाह उसकी लड़ाइयां चेक करो। क्या हुआ है? साथ जाना है? देवदास तो देखो जरा। देवदास सिंह सेठ लड्डू पेड़ा गिरेगा बहुत बुरा जिस तरह वो खड़ा हुआ। चलो आज चले चले, आज कैको देखते हैं, इसको लेके जाते हैं भाई, बाद में भाई भाई पकड़। आज चले। ओके, सबको बाय बाय कर दो। आज चले ना। आज 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 बाय जा रहे बाय। आज आना कि नहीं आना? 3 2 1 छुप गया पीछे। आपके पास ऐसा गद्दार आदमी है ना ये, कह रहा मैं खुद जाऊंगा, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अरे उसने सबसे ज्यादा स्टेयर्स को मिस किया है। ऊपर जाना है उसने, ऊपर जाना है बस। अब चीश अच्छा छोड़ गया या अल्लाह। अभी हम लोग जिस मीटिंग पे जा रहे हैं वो मीटिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी और मेरी सिस्ट्रोलॉजी फैमिली के लिए भी, मुझे देखने वालों के लिए भी, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है और जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं अभी हम जाके आपको उनसे मिलवाते हैं। मुझे तो बहुत जो है ना वो अच्छा फील हो रहा है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो अभी वहां पे पहुंचते हैं और मिलवाते हैं उनसे और दिखाते हैं आपको। टाइटल थंबनेल देख के तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी जाके आपको पता लगेगा। लेट्स गो।
गाड़ी में वजन वजन फील हो रहा है? हाँ, तुम बैठी हुई हो। अल्लाह, अरे यू आर सो मीन। आपको पता कल राबे आई थी? राबे को छोड़ने गए थे हम। हाँ, तो वो देखे अपना बैग वहीं छोड़ गए। यूनिवर्सिटी का बैग? हाँ जी। हो है तो आज कैसे यूनिवर्सिटी गई है? सुबह मुझे कॉल आई है, कह रही है आप भी, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मेरा बैग जो है वो आपकी गाड़ी में रह गया, तो गाड़ी में से बैग भिजवा दो। मैं सोई भी, मैं नींद में कहा बाद में शाम में ना। उसकी बुक्स वगैरह होंगी उसमें, तुम देख आपको उसके साइज से लग रहा है, उसमें कोई किताब पूरी नहीं आती। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट रुके गाइस, ये देख रहे हैं आप, चेक करें, इतनी ये पढ़ाई में मसरूफ थी ना लड़की, के अपना बैग यहीं छोड़ गई है। ये है जी राबिया का पढ़ाई वाला खसूसी यूनिवर्सिटी बैग। चेक करो अब इसमें क्या, किताब निकलेगी, कॉपी निकलेगी, पेन निकलेगी, के बगैर ये यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती थी। हाँ, कह रही है मैं नहीं जा सकती, मेरा ये बैग भेजो। बैग काफी वजनी है गाइस, अच्छा खासा वजन है इसका। टेंशन होगा कोई। हाँ, दिखाती हूँ मैं आपको, रही पेन, ये वाला पेन चेक करें, पेन नहीं है, यकीन करें लिखने वाला ही है, लड़कियों का पेन है ये देखो, लिखा हुआ इंक क्रेयॉन। बॉडी मिस्ट है, एक पेन भी है वैसे अरीब असली में, ये चेक करें। अल्लाह का शुक्र है पेन निकला है, मुझे तो ये भी नहीं निकलेगा। चेक करें, समझ नहीं आ रही इसके बगैर इसको जाते क्या मसला हो रहा था। इंक भी है देखें, उसने वो मैट इंक रखी हुई है। वो कोई पूछे स्टेशनरी का क्या क्या सामान तुमने रखा, तो उसने कहना है मैंने मैट इंक रखी हुई है, एक बॉल पॉइंट गलती से अगर मुझे वहाँ काम आ जाए मैं वो काम करती हूँ, और बाकी ये 600 रंगों की लिपस्टिक, कंसीलर, सारा मेकअप और पर्स। इसके पर्स में देखना पैसे कितने हैं इसके पर्स में। अच्छा, सिर्फ 100 रुपया नजर आ रहा है। ये तो हमारे दौर में 100 रुपया मिलता था, ये कौन से दौर में जी रही है, खर्च क्या करती। राबिया, तुम्हारा बैग हमने देख लिया और इसमें कुछ जरूरी नहीं था, इसलिए मैं जरूरी बिल्कुल नहीं समझती कि मैं स्पेशल तुम्हें ये बैग देने के लिए आऊंगी। जब तुम्हारा चक्कर लगे मेरे घर व्लॉग देख रही हो तो खुद ही आगे पिक कर लेना। फाइनली हम लोग मीटिंग पे पहुंच गए हैं, बस यहाँ से मीटिंग करते हैं और फिर वापस आते हैं। अरीब साहब निकल चुके हैं यहाँ, हम लेट्स गो होते हैं बस। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपनी मीटिंग में और जो है वो डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर मलिक साहब के पास हम लोग इस वक्त आए हैं। कैसे हैं आप सर? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने हमें जिस अच्छे मकसद के लिए बुलाया भाई, वो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वो हमारे जो प्यारे प्यारे जानवर है, खूबसूरत जानवर है जो हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे उनको प्रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन के लिए, तो वो चीजें जो है ना वो हम इनसे डिस्कस कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट हमारे जो प्लानेट है उसके इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगी वाइल्ड लाइफ, जो कि हो चुकी है पाकिस्तान, हो चुकी है और पूरे पंजाब में भी इसके बड़े इश्यूज हैं, हैबिटेट इनके डिस्टर्ब हो गए हैं, तो ऑब्वियसली ये इसका इंपैक्ट है क्लाइमेट के ऊपर, और क्लाइमेट चेंज जो आजकल हो रहा है, हम उसकी प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। आप अब आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इसके एम्बेसडर्स, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया इसको, एम्बेसडर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर बोथ ऑफ अस के वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम लोग अपने मुल्क के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना करें, हम मिलकर प्रिजर्व करना है इसको। 22 तारीख को अर्थ डे है, अर्थ डे के ऊपर प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट, ये जंग है। ओके, और हमने प्लास्टिक को खत्म करना है, तो आज से ये स्टार्ट करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपके जरिए सबको कि आप भी मैसेज दें और कि प्लास्टिक को जितना ज्यादा डिस्करेज करें। से नो टू प्लास्टिक, कभी शॉप की शॉप पे जाते हो प्लास्टिक बैग मिल रहा है, नहीं लेना आप लोगों ने, आप पेपर बैग इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी जगह। सो से नो टू प्लास्टिक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बाकी चीजों को करेंगे। सबसे पहले प्लास्टिक बैग जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको रिफ्यूज करें, शॉप पे जाए, अगर आपको शॉपकीपर देता है तो सुन डाल लें, ताकि हम अपनी जमीन को, अपने प्लैनेट को, अपने इकोसिस्टम को बचा सकें। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी गई है। हम ना ब्रांड एम्बेसडर तो बन गए हैं, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन सर आपने मेरा दिल जीत लिया। अभी आपने क्या बात बोली थी, ये बीवी को अकेला छोड़ के कभी फुटबॉल खेलता है, कभी शक नहीं करती, मैं कहती हूँ बस कर दे, स्पोर्ट बहुत जरूरी है, ये बीवी भी एक स्पोर्ट है। तो यहाँ से हम लोग निकलने लगे। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर दिस वन एज वेल वंस अगेन। हम लोग वहां से निकल चुके थे एंड आप लोगों को पता तो लग गया है कि नाउ वी आर गुडविल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान, और ये कितना खूबसूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपने हाथ में ना एक बहुत ही खूबसूरत अवार्ड पकड़ा है, और ये यार अपने मुल्क का जो है ना वो कोई इस तरह की चीज मिलती है ना तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है।
तो आपको कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे से केटर किया माशाल्लाह। वो खुद इतने हाई लेवल के वो ऑफिसर थे, उन्होंने बड़े अच्छे से हमें सारी चीजों को समझाया कि कितनी इम्पोर्टेंट है वाइल्ड लाइफ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में बड़े मजे की चीजें आने लगी हैं इंशाल्लाह। तो आपने जरूर देखनी है उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वाइल्ड लाइफ से मुझे एक और वाइल्ड याद आ गया। सही करना जाके अरे इसको देखो ना जरा, ये मैं इसका मुकाबला इसका कर रहा। देखो ना उसके भी, उसके लेकिन कर लो के ऊपर हुए। ये जाके बिल्ली को दिखाएंगे, इसकी खुशी देखना है जाके क्या होगी। हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली घर पे और अब बस पहुंचते हैं जाके अवार्ड दिखाते हैं सबको अपना और न्यूज सुनाते हैं इसको। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और एक लड़का फौरन भागता भागता किस तरफ आया भला? चाची पास, चाचू पास। वो क्या है बेबी? ये लो ये लो। नो नो दिस इज नॉट लाइन, दिस इज मार्को। उसको ना लगना चाहिए स्टीला मुंह पे। देख रहा है क्या? वो देख रहा है कि ये क्या है, ये लाइन की शक्ल में, ये सिंगो वाला लाइन कहाँ से आ गया? तो कैसा मेरी लाइन है ब्रांड बेस्टेड हमारे। हम पहुंच गए, अब हम जरा अपने काका के साथ थोड़ा सा खेलें, उसके बाद खेलेंगे रीप के बालों के साथ। वाह, भाभी को भी बताऊंगी आज हम रीप के। भाभी और भाई को न्यूज़ तो दे दें पहले। हाँ भाई, भाभी को बता। काका ने सबसे पहले न्यूज़ रिसीव किया। काका काका कांग्रेचुलेशन कर दो। भाभी को जो है वो बताते हैं कि हम बन गए हैं गुडविल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान। कैसा लग रहा है? इसको देख के क्या याद आ रहा है? मुझे लगा आपको अरेबिया आएगा। देखे सींग खड़े हुए, ये देखे आप, अच्छा लग रहा है ना? परफेक्ट स्टील, पता नहीं किस मटेरियल से बना हुआ लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। भाभी को हमने ये स्वेनियर दिखा दिया था, अब इसको जो है ना वो प्रॉपर तरीके से मैं रखूंगी अपनी सबसे खूबसूरत जगह पे। ये देखे, जैसे कि आपको पता है मैंने यहाँ पे ना सारी चीजें अपनी जुड़ी हुई है, तो भाई हम इसको रखेंगे ओए होए फ्रंटल से इस तरह से। इतना प्यारा लग रहा है और वेरी नाइस। ये मेरा पहला हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिली हुई चीज मैंने रखी है अपने घर में और ये बहुत प्यारा लग रहा है और मेरे घर के थीम के साथ मैच कर रहा है। करीब साहब यकीनन सो गए होंगे। देखो मैंने कहा था ना सोए हुए हैं। ओह माय गॉड, सोए हुए हैं, साथ में पैसे भी रखे हुए। चलो जी, हस्बैंड के कैश का अलग ही मजा है यार। पहले हम पैसे पकड़ लेते हैं उसके बाद इनको जगाते हैं। अरीब अरीब, किसी ने गंजा होना है? अरीब उठ जाए यार, बाल तो स्ट्रेट करा लो यार। सुबह 7 बजे का उठा हूँ, तंग ना करो मुझे। नहीं तंग करी, उठ जाए अब। अभी आपके बालों का एक्सपेरिमेंट करने लगी, जो मैंने कहा था आए तो सही ना यार। मैं कह रही हूँ कि मैं, मेरे दिमाग में चल रही है एक चीज की, मैं आपके बालों के साथ भाभी के पास तब आके कर लेती। हाँ मुझे नींद आ गई। फिर यार मैं अपनी बातें करने लग पड़ी थी, इतनी देर बाद वो आई है, मैंने इतनी सारी बातें इकट्ठी की हुई थी। हाथ में पैसे किसके? ये मेरे हस्बैंड के। टेबल में पड़े हुए। आप किसके हो? आप किसके हो? मेरे पैसे उठा ली। नहीं आप किसके हो? किसका? इकरा का। तो ये पैसे किसके हुए? इकरा के। तो बस फिर सब बराबर, जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो भी मेरा है। पता है मुझे ये रूल, पता है, पता है ये रूल। आए मैं अपना मशीनरी लेके आ रही हूँ जरा। चिमटा नहीं लेके आना मेरे बालों में, चिमटा नहीं लगाना। कौन सा चिमटा? जिससे बाल स्ट्रेट करते हो तुम लोग। तो रीब उसी से ही होगा ना यार, सही? उससे बाल खराब हो जाते, मैंने वो नहीं लगवाना। इस हिसाब से मुझे तो गंजी होना चाहिए। मेरे बाल और खराब हो जाने हैं, प्लीज ना। आपके कौन से? क्या प्लास्टिक के बाल बने? दस्ती लगाऊंगी सड़ जाएंगे। ये देखे मेरे बाल, हीट प्रोटेक्टर लगा दूंगी। आप मुंह हाथ धो के आए, मैं जरा अपना सारा सामान लेकर आ रही हूँ। गाइस मैंने हरीफ को बड़ी मुश्किल से एग्री किया, बुढ़े बड़ा मजा आने वाले। ओ भाई ये कौन से एक्सपेरिमेंट करने लगी हो मेरे साथ? ये क्या है ये संदूकचे में? इस संदूकचे में आपकी बालों को स्ट्रेट करने का राज है। अब जो है वो हम अपना काम शुरू करने लगे हैं। फनी लग रहा हूँ मैं आपको शीशे में देख रहा हूँ, क्या लग रहा हूँ? मत फनी हो। इन्होंने यहाँ क्यों रख दिए? पैसे रख दिए, पैसे नजर आ रहे। गरम है? गरम ही होता है अरीब। अरीब गरम है, देख इन घास के। ये गेहूं के खेतों को बिठाने का काम। इतनी आवाज इसकी, मुझे लगता था नहीं तुम्हारी आवाज आ रही होनी है। गाइस आ रही है आपको आवाज? मेरा बहुत स्पीकर है अच्छा। वो असल गेम है इसकी, ठीक है? अगर ब्लो ड्रायर से काम नहीं चलता तो हम स्ट्रेटनर से काम चलाएंगे। इकरा ना पंगे लो यार। अरे आपके बाल चिमटे में आ ही नहीं रहे। तो मैं क्या करूं? वो आ ही नहीं रहे हैं, ये टूटने की आवाज। इतना गर्म है। तुम जिस तरह गाड़ी उस तरह बैठेंगे तो कभी भी जिंदगी में नहीं, वो तो इस तरह करने पड़ते हैं। तो वो इतने लंबे नहीं है ना, उसको बिठाने के लिए जरा थोड़ा सा एफर्ट। ये हाथ से होना तो मेरे हाथ से ना हो जाते। अब ये क्या नई चीज आ गई है? ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। चुप हो जाए। मैं यहाँ पे चूहा हूँ, मेरे पास एक्सपेरिमेंट लाया भाई।
ये अच्छा। अगर इफ यू वांट तो मैं ठंडी हवा भी दे सकती हूँ। ठंडी हवा भी? ठंडी दे सकती हूँ। इससे क्या होगा? बैठ रहे हैं बाल। इसे हेड मसाज हो रहा है। बंद करना इसको। गाइस बहुत ही थक्कर सैलून में आया हूँ, जिससे कोई फायदा नहीं है, जिसका कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे ही बस लगी हुई है वो बाल, उस तरह बस यूं हो गया। मैं हाथ लाऊंगा वो पसाय दे रहा हूँ। बहुत ही थक्कर सैलून है ये वाला, एकड़ा सैलून। इतनी मेहनत की इस व्लॉगर ने, इतनी मेहनत की उसके बाद कहीं जाके इधर दिखाती हूँ मैं अचीवमेंट। सिर्फ ये एक नक्का बैठा है इसका, इतने ढीठ बाल है अरीफ के, इतने ढीठ बाल है अरीब के। बालों को बिठाने के लिए ना एक बुलडोजर की जरूरत है। क्या मस्त है, मेरे बाल सही हो गए हैं। कोई नहीं हुआ, आज के बाद आइंदा इकड़ा नहीं बोलेगी मैं हार मान चुका हूँ, वरना ये कोई नया एक्सपेरिमेंट। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ। इसके ऊपर ना वो क्रीम लगा दें, ऐसे चिपका लें। मैंने जिंदगी में कभी वो जल जूल नहीं लगाई, मैं नहीं लगा रहा। अरे वो जल की बात नहीं कर रही, हेयर स्प्रे बाल बिठा के। मेरे बाल खुद ही बड़े हो जाएंगे तो सही हो जाएंगे, मेरी कोई पंगे लेने की जरूरत नहीं। जो कई दिन बालों में सिर्फ पोनियों की जरूरत है, 6-4 पोनियां कर दो। जिसने कैक्टस बोलना, जिसने जो बोलना बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बाल ऐसे हैं, सही हो जाएंगे, बड़े हो रहे, ग्रोथ हो रही। ग्रोथ जब थोड़ी सी लंबी होगी तो खुद ही बैक की तरफ बेंड हो जाएंगे और बड़े प्यारे से फिर मैं ऐसे जुल्फे करूंगा। अरे वैसे आपके जो जिद्दी बाल है वो तो सही हुए नहीं है, तो अब एक और काम है मेरा, वो भी कर दें आज। जी जी, अब क्या काम है? मेरे काम इतने जिद्दी नहीं होते आपके बालों की जैसे आज। क्या काम आए तो सही बात तो सही। अरे वो बाहर ना नारियल है यार, वो ना तोड़ने है प्लीज, मेरा दिल चाह रहा खाने को। तुम्हारे पास जिंदगी में कोई आसान काम नहीं, नारियल तोड़ दो, बाल सीधे कर दो, फर्नीचर चुक दो, कोई आसान काम नहीं जिंदगी में। सारे मुश्किल काम लेके आई, लिखवा के लाइयो सारे मुश्किल काम अरीब से करवाने। एक आधा तोड़ती रही हूँ, वो नहीं सेट टूटा था, मैंने शॉपर में डाल के रखे हैं। एक आधा तोड़ती रही हूँ ना, ये देखो टूटा तो है वो, तो वो टूट गया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सारा टूट जाए। नहीं ना, हाथ में लग जाएगा, नीचे चले ना, बिल्ली के साथ बॉल उसको देते हैं। हस्बैंड एक जिन्नी ही होता है, बना दी रहता है उसको जिन्नी। बीवी भी जिन्नी होती है, बीवी जिन्नी होती, चुड़ैल होती है। अरे भी शेल्फ भी ना करना यार, टूट सकती है वो। वो ग्लास पड़े हुए शीशे के, चले नीचे। तोड़ू कैसे इसको मैं? नीचे चले बिट्टू। ओए मेरे शहजादे, इधर आ काम कर थोड़ा सा। नीचे देखो, वो देखो कैसे फुदक के आया, ये लो। लेकिन अरे इधर टाइल में नहीं, बाहर आए। अरे पांच मन का उसका वजन है, उसको पकड़ा दिया यार। इसको तोड़ के दो में अभी फेंकेगा। बॉल फेंको, चाचू को कैच करो। कैच कैच, नीड टू ट्राई अगेन। 1 2 3 सेट फेंके। वो नहीं उतरा, वो टूट गया। जान कौन सी बेबी, आपने कौन सी इंटेंसिटी में? पापा दे दो जल्दी से, जल्दी से पापा दे दो। देखो तो सही यार, ये सही नहीं निकला, नहीं निकला, वो टूट गया। पापा दे रहा वो मुझे, वो कह रहा उसको गेम मिल गई। अब वो फेंकेगा देखना। 1 2 नहीं बेटा, मैं तोड़ता हूँ। नहीं बेटा, वो मांग दे, वो मांग, देखो कैसे रहा। क्या हुआ है अब? आप हमने लगाया उसको। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हुआ? अच्छा इधर आओ, तोड़ते हैं इधर आओ। चाचू चू तुई तू ऐ तेरी खैर। इसको देखो जरा, ये बस थोड़ा ले आए। अरे बस लगवा लेंगे पाँव पे। नहीं खोलना, नहीं नहीं खोल दे, खोल दे तो फिर। हाँ तो फिर खोल भी रहा तो मसला है। नहीं नहीं करें, थोड़ी सी। अब अरीब के पास आखिरी हल है थोड़ी। गाइस कितनी ज्यादती वाली बात है। क्या हुआ? मैंने फ्रीजर खोला, मुझे आइसक्रीम नजर आई, मैंने कहा चलो मैं आइसक्रीम खाऊं थोड़ी सी आइसक्रीम। हाय ये तो स्प्रिंग रोल का मुहात पड़ा हुआ। दिल्ली खराब हो गया, मैंने अपनी तरफ से आइसक्रीम खाने के लिए। हर देसी फैमिली में यही होता है, अगर आइसक्रीम का डिब्बा खोले अम्मियों का तो सुई धागा नलकियां और फिरकी भी निकलती है। ठीक है, आपके साथ तो अभी सिर्फ ये हुआ, मेरे साथ वो भी हुआ है बचपन। हो गया सही, आधा खुल गया आधा रह गया बस। अब ये सारा बस इसको काट के ना इसको सेट करके फ्रिज में रखो। हमारा मिस्त्री आ गया, फिर आ गया। चलो जी गाइस, नारियल शारियल तो हम लोगों ने तोड़ लिया यार, थक गई हूँ एकदम बहुत ज्यादा। और ये अभी क्योंकि सर्दियों वाली चीजें जो है वो वापस रखनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे रीप के बालों पे एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ गाइस, आप लोग मशवरे दें कि उसके बालों पे मैं ऐसा क्या करूं कि उसके बाल ना सीधे हो रहे। बिल्कुल ऐसे हो रहे, ऐसे तो अभी भी सीधे ही हैं, लेकिन ऐसे वाले सीधे हो रहे हैं, तो ये लाजमी बता रहा हूं। और डिस्क्रिप्शन में ना मैंने एक लिंक दे दिया है, वो आप लोगों ने जाके हसीब भाई की वीडियो देखनी है, ढेर सारा प्यार शो करना है। और बाकी मेरे फटाफट यार 4 मिलियन कर दो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ 4 मिलियन सेलिब्रेट करूं, मजा आएगा यार, 4 मिलियन सब्सक्राइबर की फैमिली हो जाएगी। तो जी इस वीडियो
वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।